अब पे बनाएंगे हम इस तरह से, नई स्टाइल बनाएंगे रोटी से। हाँ जी रोटी से बनाएंगे। मैंने लिए चार रोटी लिए मैंने। आप कहेंगे रोटी से भी अप्पे बनती हैं क्या? जी हाँ बनती हैं। अब हम आपकी इच्छा है, इसको हाथ से काटो, इस तरह से काटो, जैसे भी काटना है काटो। जाएगा तो मशीन में पाउडर बन जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा इस तरह से पिस गया है। अगर हमको थोड़ा गाढ़ा लगता है तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, और सूजी अभी पानी पीती है, इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। और हम इसमें गाजर जो भी सब्जियां हो आपके पास, गाजर शिमला मिर्च इस तरह से गाढ़ा है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेगा, केवल थोड़ा सा डालेगा, 2 चम्मच, क्योंकि इसमें इनो या सोडा भी जाएगी। इसमें सारी सब्जियां डालेंगे जो आप पसंद करते हो। इसमें मैंने प्याज, गाजर, हरा धनिया, हरा मिर्ची, शिमला मिर्च सब पतला काटा हुआ, हींग, अजवाइन और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। एक बार बनाकर जरूर देखिएगा और खाइएगा, मुझे बताएं कैसी लगी रेसिपी। अब हम इसको 10 मिनट छोड़ देंगे। मैं इसमें 1/2 चम्मच सोडा डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि सोडा इसमें मेल्ट हो जाए। अब हम चम्मच से इसको, पहले थोड़ा सा घी डाल दिया, अब चम्मच के सहारे से और उसको हम ढक के रख देंगे। 2 मिनट में ये अप्पे जैसे बन जाएगा। मैंने फलारी भी डाला है अप्पे का, आप वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और हम इसको चम्मच के सहारे से इसको बाहर निकालेंगे और पलट देंगे इस तरह से। सारे इस तरह से बन जाएंगे।